मतलब थिएटर के लिए एक कदम और बढ़ाया है, मुकेश छाबड़ा जी ने एक कदम और बढ़ाया, कितने खुश हैं आप सब? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि थिएटर के मुकेश ये फेस्टिवल कर रहे हैं जिसका नाम खिड़कियाँ है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इन प्लेस को देखने का और इनसे कुछ सीखने का, अपने काम को थोड़ा इम्प्रूव करने का। हिंदी थिएटर जो है वो बॉम्बे में जब परफॉर्म होता है तो थिएटर स्पेस बहुत कम मिलती है, उसको 3 ही 4 थिएटर या बहुत कम थिएटर स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हिंदी प्ले कर सकते हैं, और उन थिएटर स्पेसेस के लिए और लैंग्वेज के थिएटर की भी कंपटीशन रहती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को मौका मिल रहा है देखने का और परफॉर्म करने का। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एनकरेज्ड भी हूँ और एनकरेज करना चाहूँगा भी इस तरह के किसी भी अटेम्प्ट। सर, हमने तमाशा में जो भी कहानी देखी, हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहानी आपकी लाइफ से इंस्पायर, हम समझ सकते हैं ऐसा हम जान सकते हैं? अभी तमाशा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी खिड़कियाँ के बारे में। भविष्य में आप कभी थिएटर के लिए कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं थिएटर में इन्वॉल्व रहूँ, किसी न किसी तौर पर इन्वॉल्व रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी पहले की तरह मैं भी थिएटर में फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्व हो जाऊँ और कोई प्ले करूँ, चाहे उसमें मेरा काम कुछ भी हो, निर्देशन का हो या कुछ भी हो, बट मैं थिएटर से कट ऑफ नहीं होना चाहता। सर, वो प्ले आप खुद लिखेंगे या कैसे? यार पता नहीं, वो अगर क्षमता हुई या इच्छा हुई तो खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए सर, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या है, कौन सी खिड़की खुलने वाली है आज? दिमाग की खिड़की खुलने वाली है मुझे तो लगता है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसे सच सुनते हैं जो आपको शायद फिल्मों में नहीं सुनने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क की बहुत मशहूर एक एक्टिंग कोच है जिनका नाम है स्टेला एडलर, उन्होंने कहा था कि थिएटर सोसाइटी और फिलॉसफी और उस समय का एक एक्सरे है जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा है, कायना है जो हम अपने आप को दिखाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो। बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस थिएटर के थ्रू सोसाइटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बुद्धिजीवियों का, इट्स नॉट मास एंटरटेनमेंट, एक टाइम पे 1000-2000 लोग ज़्यादा में ज़्यादा देखते हैं एक परफॉर्मेंस, और उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है आपकी सोच बदलने में। हम जाना चाहेंगे कि आपकी आपकी अपनी पर्सनल कौन सी यादें ताज़ा होंगी जब आप थिएटर किया करती थी, आप कभी भी किसी नाटक का हिस्सा? अभी तो कर रही थी थिएटर, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर यहाँ आके एक बार फिर से लग रहा है कि जल्द से एक नया प्ले फिर से करूँ। कोई भी आपने एक प्ले देखा हो जो आपको बेहद पसंद आया हो, आप उसके बारे में बताना? मुझे नसीर सर की जो मंटो सीरीज़ है और चुगताई सीरीज़ है, इसमें चुगताई के जो प्लेज़ हैं, वो सारे के सारे बहुत ही पसंद है। अभी उनका हाल ही में मैंने एक प्ले देखा, वॉक इन द वुड्स, जो एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी डिप्लोमेट के बीच की कॉन्वर्सेशन है पीस टॉक्स को लेके, वो भी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, रियली रियली वंडरफुल, चार्ज होके आता है इंसान थिएटर से बाहर। तो आपने, आप उनसे पर्सनली मिली, उनको कोई कॉम्प्लीमेंट किया आपने, या फिर आपको लगाओ नसीर साहब से बात हुई आपने, या फिर आपको लगाओ कि कोई रोल आप प्ले कर पाते हो उस प्ले में, या फिर आप आगे कुछ प्ले करना चाहते हैं? वो ही एक्टर्स का प्ले है, तो अनलेस वो उनमें से एक पात्र को फीमेल बना दे तो मुझे तो लगता नहीं है फिलहाल, बट नसीर सर के मैं कई सालों से पीछे पड़ी हूँ कि मुझे प्लीज़ आपके साथ एक प्ले करने दीजिए, तो आई एम वेटिंग। इसका मैम जानना चाहेंगे, आज बॉलीवुड की तरफ बहुत बड़ा मास अट्रैक्ट हो रहा है और थिएटर बहुत ही, जो सिनेमा को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं वो कहते हैं मुझे एक्टिंग की डेप्थ में जाना है, तो वो थिएटर की तरफ रुझान करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मास अट्रैक्ट हो रहा है पैसे की तरफ, फेम की तरफ, या उनको इससे मतलब ही नहीं है थिएटर क्या है, एक संस्कृति है हमारी जो कितनी मरती जा रही है और कितनी बची है संस्कृति हमारी है? पता नहीं, हमेशा लोग ये सवाल पूछते हैं, मुझे तो लगता है कि अब पहले से ज़्यादा लोग थिएटर जाते हैं, एक अवेयरनेस है। इट्स ऑलवेज बीन अ नीश आर्ट फॉर्म, ये मासी आर्ट फॉर्म कभी भी रहा नहीं, पर इसके बहुत प्रकार हैं, जैसे रामलीला है वो एक बहुत ही मासी थिएटर ही है ना, तमाशा है, रोड प्लेज है, स्ट्रीट प्लेज हैं, वो सब अलग-अलग तरीके के थिएटर ही है। अगर आप उसको देखें तो इट इज़ लाइव थिएटर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप वो कह रहे हैं कि जो कभी भी ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे लोग बहुत ही तादाद में थिएटर देखने आते हैं, मुझे नहीं लगता।
गांवों और छोटे शहरों में अभी भी छोटे छोटे पंडाल लगा के लोग परफॉर्म करते हैं, कविताओं का रेसिटेशन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ थिएटर का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। 3-4 हज़ार साल से ये चलता आ रहा है और कायम ही रहेगा। मैम कितना डिफरेंस है थिएटर की एक्टिंग में और बॉलीवुड एक्टिंग में? वो बहुत लाउड हो जाती है, बहुत आराम से डायलॉग डिलीवरी हो जाती है। कितना अंतर पाते हैं आप इन दोनों ही क्षेत्र में, थिएटर में और फिल्म में? फिल्म्स में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। फिल्म्स की जो एक्टिंग है वो बहुत कट कट के बिट बाय बिट बाय बिट बाय बिट होती है, और थिएटर की एक्टिंग एक साथ 70-80-90 मिनट का परफॉर्मेंस आपको एक साथ करना पड़ता है। दूसरा, आपकी आवाज़ का इस्तेमाल, क्योंकि लास्ट रो तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, तो वो बहुत ही अहम है कि आपकी आवाज़ में उतनी पावर हो, आपकी मेमोरी उतनी शार्प हो, आपकी बॉडी उतनी एजाइल हो कि 90 मिनट्स का परफॉर्मेंस, और कई बार दो परफॉर्मेंसेज बैक टू बैक आप करते हैं, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट टू बी अ थिएटर एक्टर। फिट नॉट जस्ट इन योर बॉडी बट इन योर माइंड एंड इन योर क्राफ्ट ऑल्सो। फिल्म एक्टिंग आप थोड़े बहुत ढीले ढाले सुस्त अंजर पंजर हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो कट कट के जुड़ता है और लास्ट में जो नज़र आता है वो लगता है वाह, बट एक्चुअल वाव फैक्टर जो है वो थिएटर में ही है। चलिए मैम, हम विश करते हैं कि आप ऐसी जुड़ी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मास हमारा अट्रैक्ट हो थिएटर की तरफ, और ऐसे ही हम लोग अपनी संस्कृति को बचाएं। थैंक यू।